इलेक्शन 2024 के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नसीम सादिक साहब। नसीम सादिक साहब की पार्टी है आम लोग पार्टी, और मैं बताता चलूं कि ये वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जो गुजरांवाला से रजिस्टर्ड शुदा है। तो आज हमारे साथ चेयरमैन साहब खुद मौजूद हैं, निशान है इनका झोंपड़ी, और ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आप NA-80 से। NA-80 सर जी, पहले ही मतलब मैदान भरा पड़ा है, नून लीग है, PTI है, फिर जमात इस्लामी है, फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो आप भी NA-80 में। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अली भाई, आपने हमेशा पब्लिक में जाके हम लोगों की बात की, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म गुजराना साबित हो रहा है आपका ये। सबसे पहले ये कि इन्हीं लोगों से जांच करने के लिए मैं आया हूँ NA-80 में ना सर। हर पहले आने वाला उम्मीदवार यही दावा नहीं कर रहा सर, है। मेरा ख्याल है कि जो लोग इलेक्शन के बाद नज़र ही नहीं आते, हम इलेक्शन हारे हैं जीते हैं हम उधर ही हैं। आप चेक कर सकते हैं, मेरा जो पहला इलेक्शन 18 में था वो 78 जो हल्का है ना खुरम साहब वाला, मैं वहां था पहले। नसीम भाई, ये वही गल ना जो कहने ने, चंगा हुई है जिन्हों मौका मिलया नहीं, वो मूड खट्टे नहीं। हुआ वो तो वो अलग चीज है। असल पता क्या है, लोगों को पता ही नहीं है वैसे वोट है क्या ना अली भाई। बस तो मैं ये ठीक उनको है, श्योर देने की कोशिश कर रहा हूँ, वोट आपकी ताकत है। वैसे ये 5 साल बाद आपके पास आते हैं, आप अपने जैसों को आगे लेके, जो आपके मसाइल का पता है उनको, तो जो 3 करोड़ की प्राणों में आ रहा है उसका क्यों पता कि मेरे ये इलाके के लोगों को भी बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं, बेटी की फीस जमा स्कूल हो रही है नहीं हो रही, बच्चे की दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, इसकी गैस का सिलेंडर बेचारा भरवा सकता है कि नहीं भरवा सकता, उनको नहीं बिल्कुल पता। अब जैसे उस्मान इब्राहिम आपके ओपोनेंट है, अब तो उनके बेटे हैं शायद उस्मान इब्राहिम, लेकिन अजी दूसरी नस्ल उस्मान आ गई जी। दूसरी नस्ल आ गई। अच्छा, अब उस्मान इब्राहिम को अगर हम लेते हैं पास में, तो कोई एक करप्शन को उस पर इल्ज़ाम लगा हो उस्मान इब्राहिम साहब पता पे। क्या होता है, ये करप्शन श्री बंदा बात ये नहीं है सर, बात ये जो फंड आता है कि इलाके पे लगा है, अभी जो फंड आए हैं PDM ने जो दिए है नहीं, शहबाज कोई शरीफ फैक्ट तो ऐसा दे ना आवाम को भी, उस्मान साहब के पास फंड आया और वो इलाके पे सर, लगा वो तो दे। आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे पर प्रूफ के साथ बात होगी ना, अच्छा क्या ख्याल है? ठीक मेरा है, बगैर प्रूफ के बात नहीं करनी चाहिए, इलाके सही ही है सबूत है सबसे बड़े। इनके MPA साहब मुझे मिले, उनको टिकट नहीं मिली ना, वो मुझे ठीक कहते हैं है नसीम साहब जहां हम जाते हैं ना हमें गालियां भरती हैं। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, मैं ठीक है। हमें गा क्यों, वो कहते हैं ये काम तो यहाँ हुआ नहीं है। ये आदत है लोगों की, मेरे पास वो भट्ट साहब आ गए, जट साहब आ गए, मलिक साहब आ गए, मुगल साहब आ गए, वोट दे दिया। ये रवायत गलत है। एक नाज़म बिकता है इलाके का, आंध्र को अरबर पॉइंट होता है, एक नाज़म एक चौधरी बिकता है पूरे मोहल्ले को भेज देता है, यानी कि सारे वोटों को सौदा वही कर लेता सर है मेंटेलिटी है ना, मतलब अब नाजम से लोगों ने 10 काम कल को लेने होते सर। हैं, सर ये मतलब लोग बात कहते तो हैं कि सर हमारा वो ही ही बात आ को क्यों गई। बंदा। अस तो इश्यू तो ये नहीं है, इश्यू तो ये है कि कानून साजी जो इनके लिए, क्या 70 साल में कोई कानून ऐसे बने सेहत के निज़ाम के लिए? तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 3 ऐसे निज़ाम है जिससे मुल्क चलती है, रास्ते चलती हैं, मामकल चलती है। क्या पहला है तलीम का निज़ाम, वो कलेप्स हो चुका है, सेहत का निज़ाम वो कलेप्स हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर वो कलेप्स हो चुका है। क्या इनके बगैर मुमकिन है कोई रास्ते चल सकती है? फिर तलीम, टेक्नोलॉजी, रिसर्च नाम की चीज़ हमारे पास सर आई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक चल रहा है ना, हाँ जी जी जिसको चाहते नौ उठा के मई ले वाले जाते हैं, सारे बंदे आपने जिसको पकड़ चाहते उठा लिए। के ले, जिसको चाहते फेंक देते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर जो, तो वो वही चाह रहा है जो अंग्रेज का था, हमारा नहीं है। अच्छा, अब ये जैसे सेहत, तलीम और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो पीटीए भी करती है, आप पीटीए भी करती है ना PTI, मैं आपकी। समझता हूँ कि जो उनका 4.5 साल का दौर गुजरा है अगर देखा जाए तो सर्वाइव नहीं कर सके, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, डिलीवर ठीक नहीं है किया कुछ। डिलीवर नहीं कर सके ना सर, अच्छा वो डिलीवर नहीं कर सके। बात होता है नजर आए पब्लिक में, ठीक है हेल्थ के निजाम में कार्ड बनाए उन्होंने ठीक उनका, है, अच्छा इकदाम है, जिससे अच्छा काम किया जाए, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी कोई भी था, उसको देखे ना आप अप्रिशिएट करें क्योंकि ठीक है। आवाम के लिए था। और नून लीग का आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता नहीं नून लीग के जो किया देखे हो? बता, मैं नून लीग ने जो काम किए ना अली भाई, ये बेसिक काम थे आज से 50 साल पहले करने वाले, ठीक है, ये पुल बना देना क्या आज की जरूरत थी? क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी रियासत को, किसी शहर को, किसी बड़े शहर से गांव को, देहात को मिलाना, ये अब जरूरत है? ये तो 70 साल पहले थी, हमारी मंडी मजबूत होती दुनिया में। अब जो आपके गुजरांवाला में बात करो, यूनिवर्सिटी अब गुजरांवाला नहीं थी, उसके लिए हमने कोशिश की, हाँ आपने ठीक बिल्कुल, है नसीम तो साहब की बड़ी काबिशें हैं उसके अंदर। जी शुक्रिया। देखिए ठीक है, 76 ईयर हो गए आपके पास बेसिक सहूलियत नहीं है, फिर आपके पास बैंक वो नहीं है, बेंच नहीं है हाईकोर्ट का, सर आप आप अपने समझते हैं भले? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, गुजरांवाला की आवाम यूनिवर्सिटी पे वोट करेगी नहीं, आवाम नहीं करेगी क्यों? नहीं करेगी, ये शोर क्यों नहीं आवाम सर, में आता यही है? शोर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने हुकूक की बात करें आप। आप समझते हैं आप आ जाएगा शोर इनमें? नहीं ये टाइम लगेगा, ये एक नस्ल हमें कुर्बान करनी पड़ेगी फिर जाके शोर आए अब जी। मुझे जब बताएं कि अगर अब आपको आवाम मौका देती है, अब आप एक वन मैन शो में क्या करेंगे? बहुत कुछ हो सकता है सर, तरीक अच्छा, हुआ है, हो सकता लीडर है। एक ही करता है सब कुछ, कभी पीछे वाले कुछ नहीं करते, वो तो सपोर्ट होती है, बस एक ही बंदा करता है सर, तरीक हुआ है, उठा के देख लें आप ना अब आपको असेंबली में किसी ना किसी को तो वोट करना पड़ेगा सर। ना मैं शायद। जब मैं अल्लाह ताला मौका दे ये जेन चेंज करना, यही बात है सर आपको, ये हो सकता है सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा मेन स्लोगन है बिकना नहीं, आपने बेचना ठीक नहीं है, है।
क्योंकि शुरू से पाकिस्तान में वोटर भी बिकता आ रहा है, वज़ीर आज़म भी बिकता आ रहा है, MNA MP भी बिकते आ रहे हैं, वजीर भी, मिनिस्टर भी बिकते आ रहे हैं, ये इसकी खराबी है। यहाँ का जज भी बिकता आ रहा है, यहाँ का वकील भी बिकता आ रहा है, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हमारे स्लोगन है कि बिकना नहीं, ना कीमे वाले नान पे, ना बर्गर पे, ना तिक्के कबाब पे। सर बड़ी अहम चीज तुसी भूल गए हो, बिरयानी। सर बिरयानी तो खा खा के ये गधे हो गए। सर आज हमारे साथ मौजूद थे जी नसीम सादिक साहब, जो कि आम लोग पार्टी के चेयरमैन हैं और NAT से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उस्मान इब्राहिम इनके अपोनेंट हैं, और PTI से सर आपके अपोनेंट कौन आ रहा है वहाँ? लाला असदुल्लाह पापा साहब। हाँ जी माशाल्लाह, लाला असदुल्लाह पापा साहब है PTI की तरफ से। और बाकी आवाम ने इनकी गुफ्तगू सुनी, आवाम फैसला करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी।